hi everyone good afternoon this video is for class 12 subject EVS uh, our continuous continuous topic uh, is classification of soil uh, today uh, we will discuss about uh, we will be discussed about this line in alkaline soil and pit and marshy soil. यस्टडे वी वॉर डिस्कस अबाउट द लिटरेट माउंटेनियस फॉरेस्ट एरट एंड डेजर्ट सॉइल होप आप लोगों को वो चीज़ सब समझ आया होगा आप लोगों को सॉइल के बारे में आज हम जो पढ़ने वाले हैं आप लोगों को स्लाइन एंड अल्कलाइंस ऑयल पहले पढ़ेंगे फिर इसके बाद आप लोगों को पिट एंड महीस ऑयल पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले देखें स्लाइंस ऑयल हाँ uh, मोस्टली ये जो स्लाइन सॉइल पाया जाता है कहाँ पर वो देखेंगे ठीक है सो so, uh, स्लाइन एंड अल्कलाइन सॉइल ये सॉइल जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ एरेट और सेमी एरेड पार्ट है जैसे कि कौन सी जगहों पे राजस्थान के जहाँ पे एरट और सेमी एरेट पार्ट है क्षेत्र है उन जगहों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पंजाब की जगहों में ज़्यादा पाया जाता है ख़ासकर कर एंड सेमी एरड मतलब जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल कम होता हो एज़ कंपेरिजन टू द अदर पार्ट जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है ठीक है संभाग ऑफ उत्तर प्रदेश कुछ पार्ट बिहार के महाराष्ट्र के तमिलनाडु के उन जगहों पे ख़ासकर स्लाइन एंड अल्कलाइन सॉइल पाया जाता है और ये सॉइल बड़े पैमाने में पैमाने पे नहीं ख़ासकर मिलता सिर्फ ओनली दीज आर फाउंड इन पिचेस छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे जगहों पे मिलता है लोकली इसका नाम अलग अलग दिया हुआ है, है इसका नाम कलार है ठीक है उसार है इसका नाम ये इतना फ़टाइल नहीं होता है इनफर्टाइल है इतना फ़र्टिलिटी नहीं होता है इनके अंदर क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन कमी होता है वो हम देखेंगे बाद में क्या डिफ़ीशनसी है ये इतना फ़र्टाइल नहीं होता है और खासकर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर एल्कलैनिटी और सेलिनिटी बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर ठीक है तो आ, इन सॉइल को ट्रीट किया जा सकता है इरिगेशन के थ्रू जिनके अंदर ख़ास कर लाइम और जिप्सम को मिक्स करके और एंटी इन, सेलैनटी क्रॉप्स जैसे कि क्या क्या उगा सकता है राइस शुगर कॉटन वीट टबैको ये उगा सकता है उन उन जगहों पर ट्रीटिंग करने के बाद ख़ासकर इनके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम और मैग्नीशियम जो सॉइल की सेलेंटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और कैल्शियम सबसे ज़्यादा एल्केनिटी को बढ़ाता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम ठीक है सोडियम और मैग्नीशियम इसकी सलाइन को बढ़ाता है और अल्काइन को ये कैल्शियम बढ़ाता है सो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है ये इतना एग्रीकल्चर पर्पज़स के लिए सूटेबल नहीं है और इनके अंदर डिफिशेंसी जो रहता है ख़ासकर मिनरल के वो नाइट्रोजन और दूसरा आ ये जो सॉइल है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम रखते हैं यानी पूरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर वाटर को होल्ड नहीं रख सकता इसीलिए ये खासकर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पर्पिज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं ठीक है इतना अच्छा नहीं है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नाउ वी हैव पिट एंड मर्शी सॉइल पिट एंड मर्ची सॉइल में हमें कहाँ uh, कहाँ देखने को मिलता है ये कैसे कैसे बनता है सबसे वो देखेंगे पिट एंड मर्ची सॉइल बनता है एक्यूमिलेशन यानी इकट्ठा होने की किसकी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की इकट्ठा होने से बनता है एक्यूमुलेशन से बनता है उनकी uh, अंडर वाटर लॉकड कंडीशन के अंदर जो सब बहुत लंबे समय तक जब ख़ास कर पानी के अंदर पानी के नीचे रह जाते तो उस वक्त इकट्ठा होने के बाद पिट्टी एंड मर्ची सॉइल बन जाता है दूसरे टॉप लेयर ऑफ दॉयल को ज़्यादातर ये कोस्टल एरिया में पाया जाएगा आप लोगों को क्योंकि पानी के नीचे दब के बनता है ये जैसे कि ओडिशा के सम पार्ट कोस्टल एरिया पर मिलते हैं वेस्ट बेंगाल तमिलनाडु केरला दीज आर द कोस्टल एरियाज ठीक है अलग अलग पिचेस पे मिलता है इनके बड़े पैमाने पे नहीं मिलता है मर्शी पिटी पी टी सॉइल में भी मिलता है खासकर इसको लोकली करी कहा जाता है याद रखना ठीक है ये सोइल जो है खासकर कर पी टी मर्शी सॉइल के अंदर भी जो स्लाइन और डिफिशेंट होता है इसके अंदर स्लाइन हाईली स्लाइन पाया जाता है और डिफिशेंसीज़ के अंदर फॉस्पिटोज पोटाश के होते हैं ठीक है याद रखना सेलेंटी बहुत ज़्यादा होता है और डिफिशेंट होता है फॉस्पेट और पोटाश के ठीक है सो दिस सॉइल इज़ अनलेस फॉर यूजलेस फॉर एग्रीकल्चर पीटी एंड मर्शी सॉइल भी प्लान्टशन uh, के लिए थोड़ा बहुत ठीक रहते हैं लेकिन एग्रीकल्चर के लिए इतना सूटेबल नहीं है डार्क ग्रे कलर के होते हैं ब्लैक थोड़ा ब्लैक कलर के होता है क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लाइन अल्क सॉइल पिट एंड मर्शी सॉइल हो आप लोगों ने नोट्स भी साथ साथ में बनाते होंगे इसके बाद हम सोइल इरोजन को डिस्कस करेंगे ठीक है सॉइल इरोजन को डिस्कस करने के बाद उसकी इफेक्ट को सॉइल कंजर्वेशन को इसके बाद हमारा और दो टॉपिक है यहाँ से हमारा और एक चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे फिर हम चौथे यूनिट की ओर बढ़ेंगे ठीक है होप आप लोगों को एक बार फिर से हम बता दें तो हमारा